सो गाइस अभी हम लोग निकले हैं पार्टी करने हैं। कहाँ जा रहे हो पार्टी करने बताओ? जहाँ पार्टी है तो हम लोग वहाँ पार्टी करने जा रहे हैं जहाँ पार्टी है, हम तीनों लोग मस्त। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देख रहा हो कितना ज्यादा बिजी हूँ, एक लैपटॉप पे इधर काम चल रहा है एंड एक लैपटॉप पे इधर काम चल रहा है, इतना ज्यादा काम चल रहा है। और अभी हमें शूट के लिए भी निकलना है थोड़ी देर में, तो यहाँ पे वीडियो रेंडर हो रही है, ये वीडियो जल्दी से रेंडर हो जाए। बज रहे हैं शाम के 4:35 और हमें शूट करने एक्सप्रेसवे तक जाना है, तो फटाफट जैसे ही ये रेंडर होता है इसको बंद करके हम निकलेंगे एक्सप्रेसवे की तरफ। और थोड़ा सा और काम बाकी था तो मैंने सोचा इस लैपटॉप का भी सदुपयोग कर लिया जाए, जब तक वो रेंडर कर रहा है तब तक हम इस पे बाकी का काम कर सकते हैं। तो ये सारा काम हो जाए उसके बाद जल्दी से पुष्पा की राइड लेंगे, पुष्पा को निकालेंगे और तब मिलते हैं आपसे। तो गाइस फाइनली 5 बज चुका है एंड अब हम निकल चुके हैं, धूप अभी भी है एंड हमारे पीछे आज पप्पन पिल्लो भी बैठे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। देवेश को मैंने यही इंतजार करने के लिए कहा था, देवेश कहाँ है, देवेश कहाँ है, इधर हो? अरे भाई तुम तो MT09 लेके आए हो क्या? सिलेंडर दो सिलेंडर बेच दिए, तीन ही होते हैं ना, दो बेच दिए, वही कह रहे एक बचा है। पायलट निकल रहा ही नहीं, अभी खत्म हुआ, अब भगाते हुए एक्सप्रेस वे चलो वही खत्म करेंगे। तो हमें करने कुछ शूट MT पे, इसीलिए हमने MT मंगवाई थी कि माइलेज टेस्ट भी कर लेंगे, बट MT का पेट्रोल जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। वो देखो MT से उड़ा जा रहा है लड़का, एकदम लग रहा है कि आज मैंने बहुत बढ़िया काम किया है, मैंने बूट पहन लिए भाई। एंड ये देखो ये पूरे बूट, जो ये बूट एकदम मस्त है यार, ऊपर तक एकदम रहते हैं, कोई गर्माहट नहीं जाती है। वैसे ये कलर बहुत सही लग रहा है MT पे जो बात है, लेकिन 155 cc के हिसाब से यार पैसा बहुत ले रहे हैं ये लोग। हाँ तो गाइस शूट की तैयारी बहुत जोरों में है भाई, ट्रिप से पहले शूट होने चाहिए, शूट नहीं होंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ये देखो भैया इन्होंने राम लिखवा रखा है, नंबर 2 1 4 3 2 1 4 को लिखवा दिया इन्होंने राम, समझ रहे हो? वैसे इस पर चालान है लेकिन नहीं लिखवाना चाहिए यार, जो कॉन्सेप्ट है उससे एक दिन किसी ने कहा था एंड मुझे सही चीज़ लगी थी कि नंबर प्लेट पे आगे पीछे आप ऐसा कुछ लिखवा देते एंड बहुत सारे लोग होते हैं, तो कार कहीं खड़ी होती है डॉगीज लोग जाके सुसु कर देते हैं, आप तो जानते ही हो है, उनका क्या है, उनको क्या पढ़ना लिखना तो आता नहीं है। बहुत लोग पैर रख के बैठते हैं उस पर, बोनट पे बैठते हैं, तो इस पर पीछे बैठ के फ़ोटोज़ वोटो क्लिक कराते हैं, पैर लगता है नीचे, तो जब वहाँ पे वो चीज़ लिख दी जाती है ना तो उस चीज़ की वैल्यू हो जाती है, और उसको वहीं लिखना चाहिए जहाँ पे उसकी वैल्यू हो। इसीलिए मैं भी मतलब ये सब काम नहीं करता, तो अगर इसको आप कर रहे हो ना तो फिर उस चीज़ की वैल्यू आ जानी चाहिए, राम नाम छोटा नहीं है, इसीलिए ऐसी वैसी जगहों पे उसको ना लिखें तो ही ठीक है। सो गाइस जैसा कि आज हमें निकलना था मॉर्निंग में, लेकिन हमारा प्लान जो है वो थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो गया है एंड अब हम पहले निकलेंगे ऋषिकेश और हरिद्वार के लिए ही, लेकिन कल दोपहर में निकलेंगे ऐसा कुछ सीन बना है, बस ये पोस्टपोन्ड ना हो अदरवाइज प्लान ही चेंज करना पड़ जाएगा। वाह बेटा वाह, एक बोतल नहीं संभाली जा रही है तुमसे, तो हमारी पुष्पा ने फ्यूल लिख दिया है और अब हमें फ्यूल डला लेना चाहिए, ऐसा हमारी पुष्पा बता चुकी है कि भैया हमको अब पानी पिला दो, पानी तो खुद पी लियो, हमें थोड़ा पेट्रोल पिला दो, ठीक है क्या जहाँ करो दोनों लोग, बाकी इसका करना है माइलेज टेस्ट, तो बॉटल में भी पेट्रोल ले लेंगे, यहाँ पे पेट्रोल मिल जाता है बॉटल्स में, चलो ये प्रक्रिया करने के बाद मिलते हैं। क्या हो रहा है ये पुलिस चौकी महोत्सव? हाय कजा उद सामने में आला लाग, ये क्या हो रहा है भाई, डांस हो रहा है, कॉपीराइट ना आ जाए भाई, भाग ले यहाँ से, झूले उले लगे हुए हैं मस्त, खाने पीने की व्यवस्था टाइट है, म्याला लाग भैया जी का आवे का आ जाए, जी का देखे कोई म्याला म्याला देखे आए भैया
गाइस 9:13 हो गए एंड अब हम जा रहे हैं घर। बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक डे हो गया। शाम का शूट जो था उसने बहुत ज़्यादा थका दिया, ऊपर से ट्रैफिक ने तो वाट लगा दी भाई। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारी हालत हो चुकी है टाइट, तो अब घर पहुँच के ही आपसे बात करेंगे ऑन कैमरा। सो गाइस फाइनली मैं घर आ गया हूँ एंड अब बात करते हैं ट्रिप की, कि जो हमारी ट्रिप शुरू होनी थी जो पोस्टपोन हो रही है वो मोस्ट प्रोबेबली कल शुरू हो जाएगी। कल दोपहर में 12-1 बजे के बाद से लेके 3 बजे तक के बीच में शुरू हो जाएगी। तो इस बीच में हम निकल लेंगे एंड हमें फैमिली के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हरिद्वार एंड ऋषिकेश जाना है एंड मैं अपनी पुष्पा को भी ले जाना चाहता हूँ। तो इन दोनों जगह उसे घुमा के लेके आऊँगा और फिर तुरंत आने के बाद मुझे तुरंत दिल्ली निकलना है सुपर बाइक की डिलीवरी लेने। एंड ये सुपर बाइक एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। बहुत लोगों ने कमेंट में पूछ लिया, भाई S2 आ रही है क्या। तो यार S2 अगर मैं बुक भी कराऊंगा ना तो थोड़ा टाइम लगेगा एंड हो सकता है मैं जा रहा हूँ दिल्ली तो S2 बुक करा के ही आऊँ। तो सारा सरप्राइज़ आपको इसी वीडियो में नहीं मिलने वाला है, सारा सरप्राइज़ आपको तब मिलेगा जब आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहोगे। एंड फिलहाल अभी मुझे भैया को एंड पप्पन पिल्लो को जाना है एक पार्टी में, तो अभी थोड़ी देर में हम लोग रेडी होंगे एंड निकलेंगे एक पार्टी के लिए। आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था यार, एकदम परेशान हो गए वहाँ शूट कर करके। इतनी जल्दी जल्दी शूट सारे निपटाए हैं ना, और फिर एक्सप्रेस वे किनारे बैठ के एक ढाबे पे थोड़ा सा चिल किया, थोड़ा सा मौज मस्ती की, पानी वानी चाय वगैरह पी एंड जब ठीक लगा तो वहाँ से निकले। निकलने तक तो ठीक था, निकलने के बाद इतना गंदा ट्रैफिक फेस करना पड़ा हमें, इतना गंदा ट्रैफिक फेस करना पड़ा कि रास्ते में ब्लॉग करने की हिम्मत ही नहीं आई कि हम थोड़ा सा ब्लॉग भी कर सकें। एंड अभी थोड़ी देर में हमें पार्टी के लिए भी निकलना है, तो ऑलमोस्ट रेस्ट हो चुका है। तो थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलेंगे पार्टी के लिए, मैं भैया और पप्पन पिल्लो, एक शादी पार्टी में जाना है हमें, तो वहाँ हो के आएंगे एंड देन इस ब्लॉग को एंड करेंगे। सो गाइस अभी हम लोग निकले हैं पार्टी करने। हैं कहाँ जा रहे हो पार्टी करने बताओ? जहाँ पार्टी है। तो हम लोग वहाँ पार्टी करने जा रहे हैं जहाँ पार्टी है, हम तीनों लोग मस्त। सो गाइस एक्चुअली हम लोग को आना था एक शादी में एंड यहाँ पे पार्टी है सुशांत सिंह गोल्ड सिटी के पास। एंड ये देखिए एकदम शादी का माहौल, एकदम बहुत तगड़ा लग रहा है अंदर। हमारे पापा ऑलरेडी यहाँ पहुँच चुके हैं एंड हम लोग को भी इनवाइट किया गया था, पापा ने कहा जल्दी से आ जाओ, तो हम लोग यहाँ आए। ये व्लॉग अभी ख़त्म नहीं हो पाया, अब घर जाके ही व्लॉग ख़त्म होगा। तो जा रहे हैं यहाँ से अंदर फटाक से खाएंगे पियेंगे, क्योंकि हम लौटे और कर ले क्या आते हैं भाई, अपने को खाना चाहिए बस। सो गाइस फाइनली हम पार्टी एंजॉय करके घर आ चुके हैं एंड अब हमारा जो काम है वो हम पूरा करेंगे। हमारा काम है एडिटिंग, सो इसके बाद सारा डाटा इसमें पेस्ट करेंगे एंड देन एडिटिंग शुरू करेंगे। सो इस ब्लॉग को यही रैप अप करते हैं। सो टाइम भी बहुत हो चुका है, 12:19 हो रहा है एंड इस ब्लॉग को यही खत्म किया जाए। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।